मतलब गाली, इसे गाली समझा जाता है। और किसी पर जब हम गुस्से से लाल हो तो कई बार ये गाली मुंह से निकल जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये गाली के अलावा एक समुदाय का सरनेम भी है तो आप शायद विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। असम में इस सरनेम का एक बड़ा तबका रहता है जो शुरू से ही इस शब्द को अपना सरनेम लिख रहा है। लेकिन ये चर्चा का केंद्र तब बना जब असम की एक युवती प्रियंका ने नौकरी के लिए आवेदन किया और वो आवेदन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसके नाम के पीछे ये शब्द लिखा था और कंप्यूटर ने इस शब्द को गाली समझकर एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि प्रियंका ने फिर उच्चाधिकारियों से बात करके इस आवेदन को मंजूर तो करा लिया था, लेकिन ये शब्द चर्चा में आ गया, साथ ही समुदाय भी। जब इस बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की गई तो पता चला कि असम में कचारी वर्ग के लोग अपनी जाति के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे सूतिया भी कहा जाता है। असम में इस सरनेम वाले लोगों की आबादी कुछ नहीं तो करीब करीब 20 से 25 लाख के बीच होगी। इतिहास की बात करें तो ये असमीज क्रॉनिकल में दर्ज है। असमिया क्रॉनिकल के मुताबिक इस समुदाय का नाम 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र नदी के पास निवास करने वाले किंग असमभिना के नाम पर रखा गया, जिन्होंने सन 1187 से लेकर 1673 के बीच में राज किया। इनके शरीर की बनावट की बात करें तो ये पूर्व एशियाई और इंडो आर्यन का मिला जुला रूप है। ऐसा माना जाता है कि असम में रहने वाला ये समूह पहला ऐसा समूह है जिसके लोग दक्षिणी चीन से स्थानांतरित होकर आए थे। भारत सरकार की ओबीसी कैटेगरी में इन्हें जगह मिली है। ये लोग आम तौर पर आसामी ही बोलते हैं। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो मतलब निकलता है शुद्ध पानी के करीब रहने वाले लोग। चू का अर्थ प्योर यानी शुद्ध या अच्छा, तिक का मतलब पानी और या का मतलब भूमि में रहने वाले लोग, यानी कि शुद्ध पानी के करीब रहने वाले लोग। ये लोग आमतौर पर काली माँ की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म को ही मानते हैं। ये कई छोटे छोटे समुदायों में बटे हुए हैं। दावा किया गया है कि पहाड़ की चोटी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऊपरी असम के मैदानी इलाकों में रहने वाले ये लोग पहले पहाड़ों पर ही रहते थे। इनके बहुत से लोक गान हैं। तो लगे न खास ये गाली जैसे शब्द से मिलने जुलने वाले लोग, जिनका गाली गलौट से दूर दूर से कोई भी नाता नहीं है। इनका सरनेम ही यही शब्द